मैं वीना बिरवानी निगम पार्षद हूँ रमेश नगर से। मैं 2017 में निगम पार्षद बनी थी और 2017 में मेरे निगम पार्षद के पहले ही वर्ष के कार्यकाल में मुझे पार्टी की तरफ से डीडीए का अथॉरिटी का मेंबर बनाया गया था। मुझे ये दायित्व दिया गया था पार्टी की तरफ से, जो एमसीडी और डीडीए के अंदर कोऑर्डिनेशन का एक कार्य होता है। तो मैंने अपना प्रथम वर्ष में डीडीए के उस अथॉरिटी मेंबर का दायित्व निभाया और दूसरे वर्ष में द्वितीय वर्ष के अंदर मुझे स्थायी समिति की अध्यक्षता बनाया गया, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व माना जाता है नगर निगम के अंदर। तो मुझे उत्तरी दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उस समय में, उस कार्यकाल में हमने उत्तरी नगरी दिल्ली नगर निगम कैसे सही हो, कैसे उसके काम अच्छे से हो, हमने बहुत उसमें मेहनत की और कार्य किया। मैं आज के कार्यक्रम के लिए आपसे बताना चाहूँगी कि आज हमने इको फ्रेंडली पर्यावरण के अनुकूल गणेश जी की मिट्टी की, जो कच्ची मिट्टी की मूर्तियों का वितरण किया है। क्योंकि हमारे ये देश का एक जो त्यौहार है, ये परंपरा है कि हम लोग चतुर्थी के दिन गणेश जी की अपने घरों में मूर्ति की स्थापना करते हैं और चतुर्दशी के दिन उसका विसर्जन करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जब विसर्जन करते हैं तो हम जब टीवी में न्यूज़ के माध्यम से देखा जाता है कि आप देखते हैं कि यमुना जी के घाट पे चारों तरफ आपको मूर्तियाँ यदा कदा बिखरी हुई दिखाई देती हैं, तो बहुत दुख लगता है। उस समय देख के बुरा लगता है कि जिसको हम इतने भाव से जिसकी पूजा करते हैं वो उस खंडित अवस्था में वहाँ देख के एक आहत होता है मन। तो एक ऐसा विचार मन में आया कि कुछ ऐसा किया जाना चाहिए कि हम पूजा भी करें और सम्मानपूर्वक उस प्रतिमा का हम विसर्जन भी करें। तो हमने कच्ची मूर्ति की जो ये मंगाई है मिट्टी की मूर्तियाँ, तो इसलिए हमने इनका वितरण किया कि लोग इनका पूजन करें और अपने घर के, जब हम विसर्जन का दिन आए, अपने घर के बाल्टी टब में इनका विसर्जन करें। वो भूल जाएंगे क्योंकि कच्ची मिट्टी है, वो मिट्टी का स्वरूप दोबारा से मिट्टी हो जाएगा। आप उसको अपने घर के गमलों में डाल दो, पार्क में डाल दो, तो वो एक पर्यावरण के अनुकूल चीज़ है। मैं स्थायी समिति की अध्यक्षा रह चुकी हूँ और निगम पार्षद हूँ, तो अगर मैं एमसीडी की तरफ से भी देखूँ तो मैं कभी कभी देखती हूँ कि लोग अपने घर की टूटी मूर्ति पीपल के नीचे जाके पार्क में रख देते हैं। अब आप सोचिए कि क्या हमारा उसमें कर्तव्य पूरा हो गया कि हमने वहाँ मूर्ति रख दी तो वो हमारा कर्तव्य पूरा, पूजा होगी? लेकिन नहीं, वो फिर अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं कर्मचारी उठा के उसको, अब मैं वो शब्द नहीं बोलना चाहती, कि ऐसी जगह चली जाती है कि जहाँ उसका मतलब पूजा नहीं, हमारा एक तरह से मन में एक भाव रही ख़राब हो जाता है कि देखो मूर्ति वहाँ पे पड़ी है ऐसे स्थान पर। उस चीज़ को करना जाना चाहूँगा।